खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव जारी। वन विभाग आग पर काबू पाने में पूरी तरह से विफल। करोड़ों की वन संपदा जलकर हुई खाक। अब तक हजारों एकड़ जंगल में लगी आग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगलों में देखा आग का तांडव। मई महीने में 600 से ज्यादा आग की घटनाएं। वन विभाग आग पर काबू पाने में असफल। उत्तरकाशी के जंगलों में एक सप्ताह से लगी है आग। प्रशासन आग पर काबू पाने में विफल। आग से आसमान में बनी धुएं की चादर। कल रात आग से एक मकान और फलों का बागीचा जलकर हुआ खाक। यूपी के प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। छात्रों ने भीख मांगकर जताया विरोध। छात्रों के प्रदर्शन और हंगामे के बाद पुलिस ने 200 से ज्यादा छात्रों पर किया मुकदमा दर्ज। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष उदय प्रकाश व महामंत्री शिवम सिंह समेत दर्जन भर छात्रों को नामजद मुकदमा दर्ज। अंजू लता कटियार की गिरफ्तारी के विरोध में यूपी लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों ने शुरू की हड़ताल। कर्मचारियों ने एसटीएफ पर फंसाने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र के भिवंडी में बस डिपो की हालत हो गई है खस्ता हाल, लेकिन प्रशासन ने अब तक मामले की नहीं ली है सुध। जर्जर इमारत के नीचे से सफर पर निकलते हैं हजारों यात्री। कब खुलेगी प्रशासन की नींद। एमपी के दमोह में सरकारी स्कूल बना तेंदुपत्ता गोदाम। प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी के दौरान किराए पर उठाया। उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर ट्रैकिंग करने आए 7 विदेशी पर्वतारोही लापता। लापता होने वालों में एक भारतीय गाइड भी शामिल। तलाश में जुटी उत्तराखंड पुलिस और एसडीआरएफ की टीम। असम के चराईदेव इलाके में गांव में घुसा तेंदुआ। स्थानीय लोगों ने खूंखार तेंदुए को घेर कर मारा। गुरुग्राम में ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के इलाकों में बिजली की समस्या। ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ने के कारण लगी आग। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम में वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं की झड़प। झड़प में एक कार्यकर्ता की हुई मौत। एमपी के दमोह में गेस्ट टीचर ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। मृतक की पहचान अभिषेक शर्मा के रूप में हुई। महाराष्ट्र के मुंबई में कार में लगी आग। आग से कार जलकर हुई खाक। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुलिस और एनआईए की टीम ने फेक करेंसी को लेकर 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवकों से 1,20,00,000 की नकदी बरामद की गई है। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 2 मोटरसाइकिल और हथियार भी बरामद किए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में आपसी रंजिश के कारण बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। गोली मारकर बदमाश फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के भरतनगर में सोशल मीडिया पर एमआईएम पार्षद की आलोचना करने पर मर्डर। पार्षद गुलनार कुरैशी के पति पर वीडियो पोस्ट करने वाले रफीक के दोस्त बाबू भाई की हत्या का आरोप। हरियाणा के झज्जर में युवक ने पत्नी और बेटी को मारी गोली। पत्नी और बेटी की हत्या के बाद युवक ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना से इलाके में तनाव का माहौल। यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस ने छापेमारी कर 100 लीटर से ज्यादा अवैध शराब जब्त की। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के लहन को नष्ट किया। जम्मू में भीषण गर्मी से लोगों का जीवन हुआ मोहाल। जम्मू में पारा 45 डिग्री पहुंचा। सोमवार से जम्मू में कॉलेज होंगे बंद। यूपी के जौनपुर में अज्ञात बदमाशों ने अधेड़ शख्स की हत्या कर शव को ट्यूबवेल टैंक में डालकर जलाया। शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। यूपी के बरेली में मजदूरों की पिटाई का वीडियो वायरल। मंदिर में खाना खाने पर दबंगों ने लात घूंसों और बेल्ट से की पिटाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत सरकार को दिया झटका। भारत को निर्यात पर मिली छूट वापस लेने के फैसले पर लगाई मोहर। भारत से होने वाले निर्यात पर पड़ेगा बुरा असर। अमेरिका के वर्जीनिया बीच पर एक सनकी ने इमारत में की अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 12 लोगों की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए। हमलावर की भी मौत हुई।